गोदाम हैगा अपना, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया हुआ था ना कि मैं ना एक प्रैंक कॉल करूंगा, ठीक है, चूहे वाले को। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। यार ये मैं ना व्लॉग जो था ना जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना पापा के साथ ना एक काम जा रहा हूँ, का कोई काम है ऑफिस का, ठीक है, तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, तो उधर से फ्री होके बाकी और भी जैसे जैसे काम होंगे, ठीक है, तो वो भी आपको साथ साथ ना दिखाएंगे। A few inches later. मैं और पापा ना फ्री हो गए थे ठोकर से, ठीक है, तो उधर से ना हम फिर ना शेखपुरा आ गए थे, क्योंकि इधर ना कुछ ना इलेक्शन कमीशन में ना कागजात वगैरह ना जमा करवाने थे। इधर से ना बस जैसे फ्री होते हैं ना फिर ना वापस ना लाहौर के लिए ना निकलते हैं थोड़ी देर तक। तो यार हम ना इधर से ना फ्री हो गए, अभी शाम भी पड़ गई है, तो अब जाने लगे लाहौर, तो मिलते हैं आपको लाहौर जा। One hour later. यार फाइनली ना हम ना लाहौर पहुंच गए। इस टाइम बस भी ना बंद थी घर, तो इस वजह से ना हमने सोचा इधर से ना बाहर से ना मछली ले लें स्टीप वालों से, ठीक है, तो इधर से मछली करवा रहे हैं, तो मछली करवा के ना फिर चलते हैं घर। यार हमने ना मछली वगैरह ना पकड़ ली है, ठीक है, तो अब जा रहे हैं घर। तो यार मैं ना फाइनली घर आ गया, ठीक है, तो ये ना मछली मैं ना खाने लगा हूँ अभी, तो गर्म गर्म सी मछली है, तो कहते हैं टेस्ट, तो फिर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है इसका। वैसे तो ना सदीक वालों की मछली जो उनसी ना एक खासियत उसमें है कि वो दूसरे ऑयल में नहीं मछली नहीं बनाते, ये सरसों का जो ऑयल होता है ना, सरसों का तेल होता है, ठीक है, उसमें ना मछली बनाते हैं, और ध्यान से खानी पड़ेगी, कांटे काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई यार, तो खाना खा लें, तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। A few inches later. यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना खाना वगैरह खा लिया, बिना बैठे हुए थे बातें वगैरह कर रहे थे, तो फिलहाल यार नमाज का ना अभी टाइम मतलब गुजर तो वैसे गया नमाज का टाइम, लेकिन इशा के नमाज पढ़ने वाली रहती है, नमाज पढ़ते हैं। The next day. तो यार मैं ना अभी ना ये कागज वगैरह ना फाइल वगैरह पापा के ना इधर भूल गए थे, मैं अभी ना वैगन वाले को पकड़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो ना बस थोड़ी देर तक आ रहा है, मैंने फेस भी नहीं वैसे वॉश किया हुआ, वैसे ना उठ के पकड़ाने जा रहा हूँ फाइल वगैरह। तो यार मैंने ना इस टाइम ना कागज़ वगैरह ना पकड़ा दिए, अब मैं ना वापस जा रहा हूँ घर, तो जाग सोते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको उठने के बाद। A few moments later. ना उठ गया, ठीक है, तो मैं ना छत पे जा रहा था, जैसे मैंने छत का दरवाज़ा खोला, ये ना दोनों जो कपल है ना बिल्ली और बिल्ला, दोनों जो उनसे ना भाग रहे हैं नीचे, चलो चलो ऊपर, बिल्ला बड़ा ना हमारा डेट हो गया इस टाइम ना, ऊपर नहीं जा रहा, चलो चल देखे चिपक गया इस टाइम, चल ये देख एक मिनट ऐसे उठेगा, चलो उठो। बिल्ला जो ना इस टाइम ना सीढ़ियों में चिपक गया ना, जिद्दी हो गया, तो खैर उसको तो नीचे ही रहने देते हैं, ये बिल्ली को भगा देते हैं, चल जा छत पे देखते हैं कि मौसम कैसा बना हुआ है, ठीक है, तो हवा चल रही है लेकिन बादल ही अभी इस टाइम ये चेक करें बने हुए हैं। कल जो मौसम था ना, कल का मौसम भी ना सही बना हुआ था, धूप निकली हुई थी। जो काम है ना एक दो आज स्पेशल काम वो करने हैं कि जो कार्ड है ना, ठीक है, जो दूर के हमारे रिलेटिव्स हैं ना आउट ऑफ सिटी मतलब कि लाहौर से जो बाहर रहते हैं, उनको ना हमने ना वो डिजिटल कार्ड जो था ना वो सेंड कर दिया शादी का, ठीक है, उसके बाद जो लाहौर में रहते हैं तो उनके तो हम ना घर पकड़ाए थे ये कार्ड वगैरह, उसके बाद ये कार्डों का जो उनका सिलसिला है ना ये थोड़ा बहुत रह गया है, गली में अपनी ना देना है शरोज़ वगैरह को ना, उनको भी देना है कार्ड, वो आज या कल मैं दे के आऊँगा, ठीक है, बाकी और दोस्तों को भी दे दिए कार्ड वगैरह। यार आज मेरा व्लॉग जो था ना वो थोड़ा सा ना फनी होने वाला है, फनी इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि अल्लाह आपका भला करे आजकल ना सोशल मीडिया पे ना बड़ा ना एक ट्रेंडिंग है, जहाँ भी देख लो फेसबुक पे यूट्यूब पे देख लो, एक ना चूहे वाली सरकार है, ठीक है, फैसलाबाद का लड़का है, पता नहीं उसने क्या जेन में सोच के ना, पता आपको पता है कि पाकिस्तान में ना हर ट्रेंड ना अरूज पे होता है, ट्रेंडिंग पे इस तरह होता है कि पाकिस्तान में कि कोई किसी का गाना, कभी चाहत फतेह अली खान आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, इस टाइम आजकल जो ट्रेंडिंग पे ना चूहे वाली सरकार है, लोग ना काफ़ी उसके पास ना इंटरव्यूज़ लेने जा रहे हैं, तो खैर फैसलाबाद का वो मैंने कहा चलो उसके साथ ना प्रैंक कॉल करते हैं, हम रात को उसको कहेंगे यार हमारे ना मेन आपको मैंने टॉपिक बताया ही नहीं कि किस चीज़ के
इसके बारे में वो आजकल बड़ा फेमस हुआ है। फेमस ऐसे हुआ है कि चूहे वाली सरकार है, वो चूहे वाली सरकार इस तरह से है कि वो कहता है कि यार मेरे पास ना आप आओ, मैं ना फी चूहे का ना पिछले साल 2023 में फी चूहे का ना फी चूहा मारने का 60 रुपये लेता था, लेकिन इस साल जो है ना साल 2024 में मतलब साल बढ़ने से भी रेट बढ़ गया इस टाइम, तो ना उसको ना हम ना प्रैंक कॉल करेंगे, लगाएंगे कि क्या हिसाब है, हमने इतने हमारे पास चूहे हैं गोदाम में हैं ये है वो तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वीडियो। चल गया ना छत पे, ठीक है ना, अभी मैंने कुछ नहीं हुआ, तुम नीचे जाना बनता है। तो अभी फिलहाल ना जोर के ना नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं। और मैं ना अभी ना फिलहाल ना कार्ड लेने जा रहा हूँ, वो ना चाचू ने बनवाए हुए थे विजिटिंग कार्ड दुबई के ना, जो कंपनी है ना अपनी उसके, वो ना मेरे ख्याल से कुछ सर्दी इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से ना फिर उधर ना जाना नहीं होता। बिना शरोज में घर में फ्री था, मैंने कहा चलो कार्ड वगैरह ना पकड़ लाते हैं। बिना खाना वगैरह बन गया था, मैंने कहा चलो पहले ना खाना खा लें तो फिर ही जाते हैं मार्केट में, खाना खा लें तो फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना खाना शाना खा लिया इस टाइम, तो अभी ना शरोज वो सामने आ रहा है बाइक लेके, तो उसके साथ ना जाने लगा हूँ मैं ना मार्केट। मैं ना इस टाइम ना नारकल ही आ गया हूँ, फल वगैरह जो है ना रेडी हो गए हमारे, तो दूसरी दुकान पे पड़े हुए हैं तो लेने के, उनका वेट कर रहे हैं। जितना कार्ड वगैरह मिल गए इस टाइम, ठीक है, और साथ मेल बुक्स थी ना, चलते हैं घर ना, यादगार के पास ही रुके हैं। सब्जी काफ़ी ज़्यादा थी तो वैसे ना कुछ ना मीठा खाने का दिल कर रहा था, ठीक है, तो इधर ना इनके पास आए हैं खीर वगैरह खाने। 5 minutes later मैं ना फाइनली घर पहुँच गया इस टाइम। तो यार जैसे कि मैंने ना आपको सुबह बताया हुआ था कि हम ना प्रैंक कॉल करेंगे चूहे वाले को, जो आजकल ना बड़ा फेमस है यूट्यूब पे ना सर्च करते हैं चूहे वाला, पता नहीं क्या नाम है उसका, सर्च करेंगे चूहे वाला फेमस पर्सन। मुझे ना नाम शायद नहीं याद आ रहा सही तरीके से ना, उस्ताद चूहे वाला लिखते हैं यार ये ना, उसका ना मिल गया इस टाइम यूट्यूब पे सर्च करो ना, तो आजकल ना बड़ा ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, तो जैसे ही यूट्यूब से ऊपर नाम लिखो ना तो ऊपर उस्ताद कमर चूहे वाला आ जाता है, तो लोग इसके पास ना जाके ना इसके घर फैसलाबाद बड़े ना इंटरव्यू करते हैं। तो सुबह तो मैंने ना इसका ना नंबर जो उनसे ना मैंने ना सेव कर लिया था, तो इसे अभी करते हैं कॉल। आ गया मेरे पास इस टाइम नंबर ना ऊपर चूहे वाला, मैंने भी इसका नाम सेव किया हुआ, उस्ताद कमर इसका नाम है, स्पीकर ओपन कर दिया मैंने, पता नहीं उठाता है कि नहीं, आजकल इसके पास ना बड़ा रश पड़ा हुआ है। इस टाइम ना नंबर नहीं उठा रहा, इस टाइम ना इसका नंबर तो वैसे नहीं मिल रहा, तो थोड़ी देर बाद ना इसको ना ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से शायद नंबर बंद हो, वो अक्सर सिग्नल का भी ना जो प्रॉब्लम आ जाता है तो इस वजह से अक्सर ना नंबर नहीं मिलते, तो थोड़ी देर बाद में उसको ना फिर कॉल करते हैं। मैंने ना फिर से ट्राई किया है, इसका ना नंबर फोन से ना चल पड़ा है, लेकिन ना इस टाइम बिजी है, दोबारा करते हैं इसको कॉल, ठीक है, जैसे आप चेक कर सकते हैं इस टाइम ना स्पीकर मैंने ऑन कर दिया है। देखते हैं भाई, चेक करें नंबर, इसका ना बिजी है, बिजी बंदा है आजकल, दोबारा से फिर इसको करते हैं कॉल, नंबर इसका बिजी जा रहा था पहले। हेलो पता नहीं उठाता है अब कि नहीं, ठीक है, दोबारा मैं नंबर डायल किया हूँ, फिर बिजी जा रहा है, मेरे ख्याल से वजीर आजम से बढ़ गए इस टाइम, इसका नंबर बिजी जा रहे थे, गजब बेइज्जती है, वजीर आजम का भी नंबर बिजी नहीं जाता जितना इसका जा रहा है चूहे वाले का। उस्ताद हुरी मेरे ख्याल ना कुछ ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं, वैसे ना मज़े के बाद यासर शाम ने इसका ना इंटरव्यू किया था, ठीक है, साथ साथ इसको ना डायल करते जाते हैं नंबर, फिर बिजी जा रहा है इस टाइम, दो मिनट तक ना रुक के फिर करते हैं हम इसको ना कॉल। तेरा गोदाम हैगा अपना यार, गोदाम हैगा चावल का गोदाम है सारा ना बाबा, माल हैगा ते चूहे बड़े तंग करदे ने, हट जा के सारे, अभी बजा आएगा ना भिड़ो है, अभी बाबा बाबा बड़े ने ते वो फड़ने ने, ठीक चल झूठा, ठीक है टेंशन ना लो, ते की रेट की चलेगा साडा ना फी चूहा जेड़ा फड़ोगे ना, फड़ना रे फी चूहा 110 हो जाएगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 110 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਈ ਮੈਂ हमने ना उस्ताद जी से ना बात कर ली उस्ताद कमर चूहे वाले के साथ ठीक है तो आजकल ना ये ना बड़ा ना ट्रेंडिंग पे हुआ है तो हमने सोचा चलो हम भी ना इसका ना इंटरव्यू लेते हैं इसके साथ ना प्रैंक श्रैंक करते हैं यार इतने ना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे उस्ताद जी के हमारे पिछले साल ना रेट जो उनसे था ना 60 रुपये था लेकिन इस दफ़ा ना 100 रुपये रेट है लेकिन हमसे ना 110 मांग रहे थे जिधर कस्टमर फंस गया तो उधर ही इसको ना फंसा लेंगे हमारा ना इंटरव्यू उस्ताद जी के साथ प्रैंक कॉल ही थी समझो एक साहब की ताकि पाकिस्तानी आवाम जिसके पीछे पड़ जाए ना ठीक है उसको ना फेमस करवा के ही छोड़ती है ये बड़ी अच्छी बात कही है यार अपने ना इस आज के व्लॉग को ना इधर ही करते हैं उम्मीद करता हूँ मेरा आपको आज का व्लॉग पसंद है अगर पसंद है तो सैफ राजपूत रोज को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।